नमस्कार दोस्तों, मैं द्रौपदी नंदा, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज फुलेरा का वीडियो डाल रही हूँ। तो देखिए, एक यूनिक प्रकार का फुलेरा है। तो मैं हरी हरी पत्तियों से और फ्लावर से एक यूनिक फुलेरा बनाकर बताऊंगी। इसके पहले मैंने इसी का एक दूसरा फुलेरा डाल चुकी हूँ दोस्तों, और मैं उसी को लेकर लगभग सेम डिजाइन से थोड़ा हटकर मैं एक दूसरा फुलेरा बना रही हूँ। इसी टोकनी से पहले बनाकर भी डाली हूँ मैं, और इसी टोकनी से फिर से बना रही हूँ। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे पूरे वीडियो में। ये हमारी हरछट की टोकनी है, और ये अशोक की पत्तियाँ हैं, और गेंदा के फ्लावर से मैं और अलग अलग फ्लावर से पूरे फुलेरे का डेकोरेशन करूँगी। और फुलेरा तो बना रही हूँ दोस्तों मैं, परंतु जब भी हमारे घर में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ होती है, या जब हमको ध्यान में आता है कि हमारे घर को डेकोरेशन करना है, तो हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग डिजाइन में हम डेकोरेशन कर सकते हैं। ये डेकोरेशन जो कर रही हूँ दोस्तों मैं, अगर हम एक कमरे में चारों तरफ लगाएंगे और बीच में लगाएंगे, बीच में बड़ा फुलेरा बनाकर लगाएंगे और रूम के चारों तरफ लगाएंगे, तो हमारा घर चार चांद लगने लगेगा दोस्तों। अभी तो मैं सिर्फ महालक्ष्मी पूजा, तीज पूजा की ये फुलेरा का छोटा सा मैं नमूना दिखा रही हूँ, परंतु आप लोग इससे आइडिया लेकर बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिक डिजाइन बना सकते हैं। तो देखिए, मैं कुछ अलग नहीं दिखा रही हूँ, बहुत ही सरल है और आप लोग बना पाएंगे। मैं गेंदे के फ्लावर को टोकनी के ऊपर बांध दी हूँ, और ये जास्मिन की पत्ती है, फिर कनेर की पत्ती है, और अलग अलग फ्लावर्स में लगाऊंगी दोस्तों। और एक ही रस्सी से मैं पूरे फुलेरे को बनाकर दिखाऊंगी, फ्लावर में ही अटैच कर रही हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं फ्लावर से फ्लावर को ही अटैच कर रही हूँ, मैं अलग से किसी प्रकार की भी रस्सी का यूज नहीं करी हूँ। मैं पत्तियों को भी टोकरी में खोजती हूँ, और दूसरे प्रकार की पत्ती लगाई हूँ मैं फ्लावर में खोजती हूँ। तो इस प्रकार से एक दूसरे से अटैच करके मैं पूरे फ्लावर को लगा दी हूँ दोस्तों। लास्ट तक देखिएगा तो ये फुलेरा, कहते हैं कि हम घर का डेकोरेशन करने के लिए अलग अलग आइडिया ढूंढते हैं, तो उसी में से एक प्रकार का ये आइडिया है दोस्तों। शायद मैं बता रही हूँ तो आप लोगों के काम आ जाए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद नहीं आता है तो भी कमेंट करके बताइएगा, तभी तो मैं समझ पाऊँगी कि आप लोग मेरे वीडियो को देखे हैं क्या। तो इस प्रकार से मैं अलग अलग डिजाइन में बहुत सारे फुलेरे की वीडियो डाली हूँ दोस्तों। मैं पिछले साल से डाल रही हूँ, और इस साल भी पूरे यूट्यूब में मेरे वीडियो आप अलग अलग डिजाइन में देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा, और छोटी सी बेल आइकन रहती उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मैं अब इसके आगे महालक्ष्मी में स्वच्छ कैसे करते हैं, दुबी से मंत्र पढ़कर, और महालक्ष्मी के एक दिन पहले नहाते हैं, और उसका वीडियो मैं आप लोगों को डालने वाली हूँ, तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।